नमस्कार, डिजाइना न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत में पहली बार नेशनल सेंटर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, CEUT। ये देश में पहली बार होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए सारे विद्यार्थियों को देश का एक टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि JEE देते हैं, जैसे कि नीट देते हैं, ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए CEUT एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और इस एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी को विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। चूंकि UGC ने यह निर्णय पहली बार लिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो गई है। और इस एग्ज़ाम में प्रवेश के तरीके क्या हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम में अधिकतम अंक लाने का तरीका क्या हो सकता है, वो कौन सा गुरु मंत्र है जिससे इस एग्ज़ाम में हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, उसी को जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान श्री अजय बंसल को आमंत्रित किया है। अजय बंसल लंबे समय से कोचिंग व्यवसाय में हैं। आप को फाउंडर हैं, CEO हैं CH Edgemaker के। CH Edgemaker एक ऐसी पुरानी संस्था है जो बरसों से बच्चों को CMAT और CAT और MBA के विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी करवाती है। ज़्यादातर इंदौर से जो बच्चे MBA की परीक्षाओं में पास निकले हैं, वो कभी ना कभी अजय बंसल और उनकी टीम के विद्यार्थी रहे हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्या एक क्रांतिकारी कदम माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम देखते आए हैं कि इंजीनियरिंग के लिए एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम अब हो गई है, जिसको जी हम JEE मेंस बोलते हैं, मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट की परीक्षा जिस तरह से स्थापित कर दी गई है, उस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा जो कि ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, चाहे वो BCom, BBA, BA, इतने सारे कोर्सेज देश में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में प्रवेश की प्रक्रिया अभी तक एकदम अलग अलग होती थी। और अब देखिए, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो इन सारे एडमिशन्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की शुरुआत है। अभी सारी एक साथ नहीं आई है, बट एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। और जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा है कि आने वाले दिनों में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन प्रक्रिया को इससे संबद्ध कर लेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं? आप कह रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई हैं। देखिए, ये पहला साल है, अभी मात्र 1-1.5 महीना पहले अनाउंस की गई है। क्या ये विश्वविद्यालयों को के लिए ठीक है कि वो चाहे तो जुड़े हो चाहे तो ना जुड़े? कुछ के लिए ठीक है। जैसे हमारे देश में हम 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मानते हैं, वो तो सारी चूँकि UGC के अंडर में आती हैं, और UGC ने ही इस एग्ज़ाम को, तो वो तो है ही, तो वो 44 हैं। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर इसी से संबद्ध हो जाए, जैसे हमारी देवीला विश्वविद्यालय CET कराती थी। हाँ जी, तो इनफैक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आगे आने वालों में देवीला विश्वविद्यालय आगे रहा है, और वो ऑलरेडी इससे संबद्ध हो चुके हैं। इस तरह से करीब सभी देखेंगे हम तो 70-80 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी पहले साल में अंडरग्रेड एडमिशन के लिए, UG एडमिशन के लिए इससे संबद्ध हो चुकी हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा विश्वविद्यालयों को? मैं कह रहा हूँ, विश्वविद्यालयों को क्या फ़ायदा होगा? अभी हर विश्वविद्यालय को अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया अलग से करने के लिए अपना पूरा नोहाव, अपना स्टाफ, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगानी पड़ती थी। अब एक तरह से ये आउटसोर्स थर्ड पार्टी एग्ज़ाम हो जाएगी, पहला। दूसरा, हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अगर उदाहरण लेकर के देखें तो CET की जो परीक्षा कराते थे उसमें लिमिटेशन था कि देश भर में कितनी जगह सेंटर बना सकते हैं। ज़्यादातर सेंटर मध्य प्रदेश में होते थे और कुछ आसपास के राज्यों में कुछ और सेंटर होते थे। अब ये सेंट्रलाइज एग्ज़ाम हो रही है तो पूरे देश में सब दूर होगी, तो आप मान के चलिए आसाम का बच्चा, बंगाल का बच्चा, केरल का बच्चा, तमिलनाडु का बच्चा भी CUET का फॉर्म भर के और उसमें टिक कर देगा कि मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेना चाहता हूँ। तो विश्वविद्यालयों के पास, विश्वविद्यालय के पास आएगा, देश भर के छात्रों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, एडमिशन लेकर के आसान हो गया उनके लिए देश भर के छात्रों को अपने यहाँ प्रवेश देने का।
और दूसरा ये भी है कि विश्वविद्यालय को एक अच्छा स्टफ मिलेगा ऑल इंडिया लेवल का। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो CET परीक्षा होती थी, इसमें जो UG वाली एप्लीकेशन आती थी हर साल, वो मुझे जहाँ तक ध्यान है सर्वोत्तम एप्लीकेशन किसी एक साल में आई है UG के लिए तो करीब 12,000 आई है, अंदाजन बता रहा हूँ। इसमें अभी जब CUET के थ्रू फॉर्म भरा है तो ऑलरेडी 55,000 से 60,000 बच्चे देश भर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसमें हमारे इंदौर के बच्चे को या झाबुआ खरगोन जो हमारा इंदौर संभाग है उसके बच्चों को एक नुकसान भी, उसको एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। हाँ, आपकी बात सही है, पर एक फायदा भी है, वही बच्चा जो आज अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में हिचकता था क्योंकि उसकी पहुंच से दूर होती थी, उनकी प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए उसको दर-दर ठोकर खानी पड़ती थी, वो अब यहीं बैठे बैठे उन सब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है। और अगर तो उसके लिए नंबर होगा तो उसको DU में भी एडमिशन मिल सकता है और BHU में भी मिल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने इसको क्रांतिकारी कदम कहा कि यूनिवर्सिटीज देश भर के स्टूडेंट को बुला पा रही है और एक छात्र जहां बैठा है वहां बैठ कर तो अब बच्चे को देश भर में अप्लाई कर सकता है। बच्चे को जो है 12th करने के बाद या BBA करने के बाद या ग्रेजुएट करने के बाद ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा PG कोर्सेज के लिए, ये कहना चाह रहे हैं। PG कोर्सेज के लिए, और ये तो UG के लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये UG के लिए। और CUET के ही दो वर्जन आ गए हैं, पहला UG के लिए अलग जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी 3-4 दिन पहले ही मात्र फिर से अनाउंसमेंट हुआ है कि PG के लिए अलग प्रवेश परीक्षा CUET PG नाम से होगी। वो जुलाई के अंत में। ये कन्फ्यूजन क्या है छात्रों पर पेरेंट्स के बीच में इसको लेकर? कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि अभी तक की प्रवेश प्रक्रिया की जो व्यवस्था रही है वो दो तरह से रही है, मैं UG की बात कर रहा हूँ। पहला 12वीं की मेरिट के बेसिस पे, जो कि सालों से चली आ रही है, और देश के बड़े विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय भी हम सुनते हैं कि कट ऑफ 98% गया, 99% गया, तो वो हमारा माइंडसेट पेरेंट्स का, बच्चों का बना है कि 12th बोर्ड बेसिस पे एडमिशन मिलता है। और कई विश्वविद्यालय हैं जो अपने स्वयं की प्रवेश परीक्षा कराते थे, इसमें भी छात्र कन्फ्यूज रहते थे क्योंकि कितने कॉलेज में अप्लाई कर सकते, कितनी प्रवेश परीक्षा दे सकता है एक छात्र। अब जब ये नई चीज़ आई है तो पुरानी मानसिकता से बाहर निकल के और इस परीक्षा के हिसाब से देना, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है वो अपने अपने परिमाण के हिसाब से अपनी परीक्षा करती थी। कोई बोलता था हमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लेना है, कोई बोलता था हमें सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट लेना है, कोई बोलता था हमें बच्चा जिस स्ट्रीम का है साइंस वाला है तो हम साइंस के सब्जेक्ट पर टेस्ट लेंगे, कोई विश्वविद्यालय कहता था कि कॉमर्स का बच्चा है तो हम इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का टेस्ट लेंगे, इसलिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएँ होती थी। CUET में एक ही परीक्षा में उन्होंने सारे ऑप्शन दे दिए। कोई विश्वविद्यालय चाहता है कि सिर्फ मेंटल एबिलिटी का टेस्ट दे तो उसमें एक सेक्शन उसका है, कोई विश्वविद्यालय चाहता है कि हम अकाउंटेंसी का टेस्ट लेना चाहते हैं BCOM में एडमिशन देने के लिए तो उसका है। इस तरह से CUET के डिज़ाइन में 9 ऑप्शनल सेक्शन हैं और कन्फ्यूजन का जड़ अभी यहाँ पर है। जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन हम टिक करें भरने के लिए, कौन सा सेक्शन हम दे, क्योंकि ऑप्शनल है, सारे सेक्शन देना जरूरी नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन जो है वही अभी परेशान। तो बच्चे को ये चाहिए कि वो जो जिस स्ट्रीम का है, जो उसने पढ़ा हुआ है 12th में या ग्रेजुएशन में, उसी को लेना चाहिए, उसी को लेना चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, पुरानी सोच क्या थी कि प्रवेश परीक्षा दे दें उसके आगे देखा जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने का तरीका उल्टा हो गया है जी। जैसे कि पहले आपको ये देखना है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कौन कौन से सेक्शन का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। वो अगर उल्टा चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे 9 में से 3 सेक्शन का परीक्षा देनी है कि 4 की देनी है कि 5 की देनी है कि सिर्फ 2 की देनी है। और यही प्रक्रिया मैं छात्रों को सजेस्ट करता आया हूँ कि वो पहले एग्जाम फॉर्म ना भरें, पहले यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखें कि हमें कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, वहाँ से अपने आप रिक्वायरमेंट निकल के सामने। अब इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जुड़ गया जी, इंदौर का वो छात्र है, वो चाहता है कि वो अपने इंदौर की होम टाउन की यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, जैसे कि पहले होता था हम 12th करके निकले इंदौर के कॉलेज में, हमने एडमिशन ले लिया MA में, फिर हमने इंदौर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कहीं कोई बंधन नहीं। अब चूँकि ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, सीटें भी कम हो गई, प्रेशर भी बढ़ गया है, और कुछ माता पिता की हैसियत नहीं कि वो बाहर पढ़ा सकें, तो उसको तो इंदौर में ही पढ़ना है, तो फिर उसके उसके लिए क्या अवसर रहेंगे?
मैं बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पर है, ये जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो एडमिशन हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के खुद के जो संस्थान हैं उनके लिए हो रहे हैं, जिनमें पूर्व में सीईटी की परीक्षा से होता है। जी हाँ बिल्कुल, वो जो यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्राइवेट कॉलेज जो अध्ययन शालाएं हैं, हाँ जी हाँ जी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ फिजिक्स, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, आईआईपीएस, ये सब मिला करके, तो इनमें प्रवेश लेने के लिए तो सीयूईटी की तैयारी करना है। और ये सीयूईटी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ज्यादातर कोर्स के लिए सिर्फ दो ही सेक्शन की पात्रता रखी है, तो छात्र को 9 सेक्शन ऑप्शनल के उस चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या कुछ इसमें ये भी प्रावधान है कि स्थानीय व्यक्ति को या स्थानीय आरक्षण भी होगा कि भाई आप इंदौर के हैं तो आपको प्रायोरिटी ये है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, इसका बड़ी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सीयूईटी तो प्रवेश परीक्षा है, उसमें किसी भी तरह का आरक्षण परीक्षा के तौर पर नहीं है। परीक्षा के बाद स्कोर कार्ड आ जाएगा, जो जो विश्वविद्यालय प्रवेश दे रहे हैं वो अपने नियम के अनुसार ही देंगे, तो स्कोर कार्ड सब छात्रों का आ गया, उसके बाद उन्हें जिस भी तरह के रिजर्वेशन, जिस भी तरह का प्रायोरिटाइजेशन करना है जो पूर्व में करते हैं, छात्राओं के लिए अलग होगा, वो अपना फॉलो कर सकते हैं, अलग होता है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो इसकी तैयारी सीएचएच मेकर्स कैसे कराता है? आप तो एमबीए के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, जो आपकी ख्याति है पूरे देश भर में, वो इसलिए कि आप सीमेट का, जीमेट का एग्जाम की तैयारी कराते हैं और केट की तैयारी कराते हैं। अब ये जो नई परीक्षा है, इसकी भी तैयारी आप करा रहे हैं? जी हाँ, इसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। और इसमें इंदौर विश्वविद्यालय के मान से देखा जाए तो सीयूईटी में जिसे सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन कहा गया है, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, और सेक्शन 3 जिसे कि जनरल एबिलिटी कहा गया है, ये दोनों सेक्शन की तैयारी हम छात्रों को करा रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर छात्र हैं जो अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षा जस्ट दे चुके हैं, जिनकी परीक्षाएँ या तो पिछले कुछ दिनों में समाप्त हुई हैं या अगले 2-4 दिनों में खत्म होने हैं। क्या इन बच्चों को मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा? हाँ जी, जो जनरल टेस्ट है उसमें मेंटल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, लॉजिक है, सब कुछ है। तो ये एक तरह से जो कहते हैं ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक बहुत ही अच्छा रूप है, जिसको हम आईक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। और ये 1 घंटे का सेक्शन होगा और 1 इंग्लिश का होगा जो 45 मिनट का होगा। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट छात्रों को अपने बिल्ड करने पड़ेंगे, कुछ सॉल्व करने की टेक्निक्स सीखनी होंगी, और फिर टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट अपने मैक्सिमाइज करें, क्योंकि इसमें उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, तो इसके हिसाब से। और ये ऑनलाइन एग्जाम होगी? ये ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के होगी। अब ऑनलाइन एग्जाम में जैसा पिछली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का हुआ था, क्रैश हो गई थी और वो सब गड़बड़ हो गया था, इसमें कुलपति धाकड़ साहब को हटना पड़ा था। जी, ऐसी गड़बड़ी तो नहीं होगी? होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार जो टेस्टिंग एजेंसी अपॉइंट की गई है वो यूजीसी ने एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत ही सुगम रूप से कई सालों से आईआईटी, जेईई, नीट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं, सीमैट जैसी परीक्षाओं को करवा रही है, और उनके अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसे ग्लिच देखने में नहीं आए हैं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो खतरा नहीं है, बहुत ही भरोसेमंद एजेंसी एग्जाम को करवा रही है, इसलिए एग्जाम पे भरोसा छात्रों का बढ़ जाना चाहिए, चूंकि यूजीसी के द्वारा एनटीए को। जब विश्वविद्यालय का ये सीईटी होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, तब अक्सर इस तरह की चर्चाएं होती थी और शिकायतें होती थी कि साहब इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है, कुछ सेटिंग हो जाती है, कुछ रिजल्ट्स प्रभावित हो जाते हैं, कर लिया जाता है कुछ मैनेजमेंट। अब ये जो सीयूईटी शुरू होगा तो इसमें आप देख पा रहे हैं किसी, आपका जो अनुभव है कि किसी किस्म की गड़बड़ी, मैनिपुलेशन की कोई संभावना, आशंका है? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एनटीए द्वारा सारी परीक्षाएं जो कराई गई हैं उनमें काफ़ी स्वच्छता देखने को मिली है हमेशा से। और रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है इसका? इसमें रिजल्ट एग्जैक्टली कब आएगा नहीं, पर मेरा अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इसका रिजल्ट आएगा, हर सेक्शन का स्कोर कार्ड आएगा अलग अलग, तो किसी छात्र ने अगर 3 सेक्शन की परीक्षा दी होगी तो उनको 3 स्कोर कार्ड मिलेंगे सेक्शन के, और फिर उस स्कोर कार्ड का वो स्कोर कार्ड फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों को दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हर विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट बनाए। जैसे अपने दर्शकों के लिए मैं उदाहरण के तौर पर लूंगा, सीयूईटी यूजी के लगभग 9 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, और जितना मुझे सुनने में आया है उसमें से 60,000 बच्चों ने इंदौर विश्वविद्यालय को ऑप्ट किया है, तो वो 9 लाख लोगों में से ये 60,000 लोगों की मेरिट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए अलग बन जाएगी,
और इसकी मेरिट के बेसिस पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने नियम के हिसाब से, अपने जो भी रिजर्वेशन के जो भी नियम रखने उसके हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट अलग अलग बना करके जो बच्चे जिस विश्वविद्यालय में चाहना एडमिशन लेना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय की मेरिट बन जाएगी, अलग बन बिल्कुल। मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ क्रांतिकारी कदम, इसमें विश्वविद्यालयों का भी भरपूर ध्यान रखा गया है, उनकी प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया को बिल्कुल छेड़ा ना जाए। ये इतने बच्चे आपके यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, ये किस कोर्स में कहाँ सेट हो रहे हैं इनको दे दीजिए, हमने तो स्कोर इनका एग्जाम लेके स्कोर बना के आपको दे, और वहाँ भूमिका खत्म। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की या जबलपुर विश्वविद्यालय की सबकी अपनी भूमिका शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। तो साहब इसमें इसकी तैयारी करने के लिए बच्चों को, खासतौर पर वो बच्चे जो 12वीं पास करके आपके पास हैं, बहुत ही नए बच्चे होते हैं और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनको इतना अनुभव नहीं होता है, तो क्या आप उनको सुझाव देंगे कितने घंटे की तैयारी उनके लिए पर्याप्त होगी? मैं बताता हूँ जिस तरह से हम करवाते हैं, रोज 2 से 3 घंटा क्लास लगती है जिसमें कि एक नए टॉपिक के ऊपर उनको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना है वो सिखाया जाता है। और इस समय में जब हम परीक्षा से मात्र 40-50 दिन की दूरी पर हैं और अब तैयारी शुरू करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 1:3 का रेशियो, मतलब क्या हुआ, अगर 2 घंटा क्लास में पढ़ाई करी है तो उसके पीछे 5 से 6 घंटा घर पे कम से कम प्रैक्टिस सेल्फ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं रटने हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, परंतु प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। तो हम छात्रों को ये सिखाते हैं कि आपने आज कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन सॉल्व किए साथ में फैकल्टी के क्लास में, और साथ में खूब सारा फिर होमवर्क मिला जिसको घर जा करके करना है। और फिर जब छात्र होमवर्क करते हैं तो उनको कुछ डाउट आते हैं तो अगले दिन उनके लिए डाउट सॉल्विंग हो जाती है। वो तो कहते हैं ना डिटेल स्टडी डिटेल कन्फ्यूजन। बिल्कुल सही, शॉर्ट स्टडी शॉर्ट कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न आएंगे, जिज्ञासा आएंगी, उत्सुकता आएगी, बिल्कुल, और फिर उसका आपको समाधान दूसरे दिन अपनी कक्षा में अपने टीचर से करना है। तो यही एक तरीका हो सकता है जिसके चलकर जिसको हम आम भाषा में क्रैश कोर्स। कुछ किताबें इसके लिए बनी है कि ये किताब, जैसे पटवारी पात्रता परीक्षा की किताब आती, गाइड आती है, या पीएससी की कोई गाइड, ऐसी कोई किताबें भी इसकी बन गई हैं? देखिए सीयूईटी तो अभी मात्र 1.5 महीना पहले अनाउंस हुई है, तो सीयूईटी के लिए अलग से किताब नहीं आई है, परंतु मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इसके लिए कोई भी बेसिक लेवल की किताब जो मार्केट में अवेलेबल है छात्र उनसे भी कर सकते हैं तैयारी। और हमारे जैसी कोचिंग क्लास तो हम लोग तो पूरा बुक्स बनाए हुए हैं हमारी खुद की, जो हम छात्रों को स्टडी मटेरियल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें कंसेप्ट भी होते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होते हैं, होमवर्क भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना जरूरी। तो कितने हर सप्ताह टेस्ट लेते हैं हम? हाँ जी, सप्ताह में 2 बार टेस्ट होंगे। और इसकी आपकी इस कोर्स की, ये सीयूईटी कराने का कोर्स जो है, इसकी फीस क्या रखते हैं आप? इसकी फीस हम लगभग 12,000 के आसपास रखते हैं, 10 से 12,000 के बीच में। तो कोई स्कॉलरशिप का भी देते हैं? कोई बच्चे ने आपका टेस्ट दिया, उसने अच्छा स्कोर किया तो उसको कुछ फीस में छूट दे दी? उनको भी छूट रहती है। कई बार बच्चों की आर्थिक परिस्थितियाँ जो हमें मालूम पड़ती हैं तो उनके उसके आधार पर भी हम बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। बहुत धन्यवाद आपका बंसल साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप सुन रहे थे अजय बंसल साहब को, जो CEO हैं CHH मेकर के और लंबे समय से कोचिंग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि CUET जो एग्ज़ाम होने जा रही है, देश में पहली बार एग्ज़ाम होने जा रही है, इसमें 2-3 घंटे पढ़कर और लगातार अभ्यास करके, प्रैक्टिस कर आप इसको सफल हो सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसके वजह से पूरे देश भर की विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, उनका एक टेस्ट होगा और पूरे देश के बच्चे उस एग्ज़ाम को देकर अपनी मनपसंद विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। देखते रहिए डिजिटल न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।